आज वही हुआ जिसका डर था। सही कहते थे उसके मम्मी पापा, भाई पड़ोसी सब, छोटे कपड़े मत पहना करो, सारी गलती हम छोटे कपड़ों की है। आज उसने मुझे पहना और उसकी इज्जत लुट गई। ना वो मुझे पहनती और ना ही उसका रेप होता। नहीं, गलती तेरी कैसे हो सकती है, मैं बुरखा हूँ। आज मेरी भी इज्जत लूट ली गई। मैं तो छोटा कपड़ा नहीं हूँ, मैं तो कोई अंग नहीं दिखाती। सारी गलती मेरी है, मैं अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गई। सही कहते थे सब, लड़कों के साथ घूमोगे तो सब गलत ही समझेंगे। देखो आज हो गया ना गलत, हुआ ना मेरा रेप। दीदी आप दोनों बोल रहे हो कि आपकी गलती है, पर मेरी क्या गलती है? ये ड्रेस तो खुद मम्मी ने मुझे पहनाई थी और ये भी कहा था कि इसमें मेरी बेटी प्रिंसेस लग रही है। फिर क्यों उन अंकल ने मुझे इतना दर्द दिया, क्यों मारा मुझे? शायद मेरी गलती ये थी कि मुझे भी बाकी बच्चों की तरह चॉकलेट खाना पसंद था और मैंने उन अंकल से चॉकलेट ली। इस बच्चे की क्या गलती थी जो अभी अच्छे से बोल भी नहीं सकती, इसके साथ भी रेप हुआ। शायद इसकी यही गलती थी कि ये बोल नहीं सकते। रेप होने के बाद हर कोई गलतियां निकालनी शुरू कर देता है कि उसने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, उसने बुरखा पहना था पर वो लड़के के साथ गई थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अरे 7-8 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, 2-3 साल की मासूम बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे हैवानों को? इनका काट दो, काट कर फेंक दो, तब इन्हें समझ में आएगा। लोग कहते हैं कि हमारे कानून में ये ठीक नहीं है ऐसी सजा देना। कौन सा कानून? वही कानून जो हमने बनाया है। अरे हमारा देश, हमारा कानून, कौन रोकता है हमें बदलने से? बदल दो ऐसे कानून को, दो उन हैवानों को ऐसी सजा कि जो अपने मन में ये हैवानियत लेके बैठे हैं उनकी भी रूह कांप जाए। बदल दो ऐसे कानून को, क्या फायदा इस कानून का जो हमारी बच्चियों की हिफाजत नहीं कर सकता। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इन जो ये पॉलिटिक्स खेलते हैं ना ऐसे केसेस के ऊपर, ये तक भूल जाते हैं कि उस बच्चे के साथ हुआ क्या है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दें कि पॉलिटिक्स खेलना बंद करें और कोई स्टेप लें कि आगे से हमारे बच्चों के साथ ऐसा मत हो। धन्यवाद।